नमस्कार बच्चों, स्मॉल ब्रेक के बाद बच्चों क्लास में आपका पुनः स्वागत है। हम अभी फिजिक्स के कालखंड में हैं और जैसे कि हम कल से चर्चा कर रहे थे धारा के चुंबकीय प्रभाव। आपको याद होगा कि कल हमने स्ट्रेट यानी चालक धारावाही सीधे चालक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र और उससे संबंधित प्रकाश डाला था। पहले हम चर्चा कर रहे थे कि वह धारावाही तार यदि कुंडली के रूप में हो तो किस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और किस स्थान पे कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। आज का हमारा मुख्य विषय यही है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे धारावाही वृत्तीय कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों शांति से बैठ के सुनेंगे तो चीजें समझने में बहुत आसानी होगी और आप अगर शांत होकर ध्यान से सुनेंगे तो मेरे प्रश्नों का उत्तर भी दे पाएंगे। ठीक है, तो आप तो देख रहे हैं कि अगर हम उस तार को वृत्तीय रूप में बना लें, कुंडली के रूप में बना लें, तो हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए दो स्थितियां हैं। पहला वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर और दूसरा वृत्तीय कुंडली के अक्ष। तो किस तरह से वृत्तीय कुंडली से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है यह समझने के लिए हम एक वीडियो क्लिपिंग देखते हैं, जिसे आपने कल भी देखा था पर आज हम उसे विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक वीडियो क्लिपिंग दिखा रही हूँ। प्रवाहित की जाए तो किस तरह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए। ध्यान से देखेंगे बल रेखाएं वगैरह सब, फिर हम चर्चा करेंगे इस पर। तो सब हम अभी समझ रहे हैं वह प्रयोग के द्वारा कि किस तरह से वृत्तीय कुंडली से चुंबकीय क्षेत्र और किस तरह से चुंबकीय बल रेखाएं खींची जाती है। तो एक सफेद गत्ते का टुकड़ा लेंगे, है ना, जिस पर हम दो छिद्र करेंगे ए और बी। ठीक है, धारावाही तार को इस तरह से, ध्यान से सुनिए बच्चों, इस तरह से गोलाकार बनाएंगे, वृत्त बनाएंगे कि इस वृत्त का केंद्र इस गत्ते के टुकड़े पर हो। ठीक है, क्या कहा, उस वृत्त वृत्ताकार कुंडली का केंद्र गत्ते के ऊपर हो। ठीक है, अब इसमें हम धारा प्रवाहित करने के लिए एक सेल धारावाह है ना, जो धारा प्रदान करेगा सेल, और एक धारा नियंत्रक लगाएंगे। जब सेल से धारा प्रवाहित होगी तो ये धारा, देखिए ध्यान से, दक्षिणावर्त है। ठीक है, कौन सा व्रत लेके रखा है, दक्षिणावर्त, क्योंकि कल हमने पढ़ा था कि धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाती है। ठीक है, तो अब हम चुंबकीय सुई की सहायता से ए के पास चुंबकीय बल रेखाएं खींचेंगे। ठीक है, जिस जिस दिशा में चुंबकीय सुई घूम रही है वहां आपको चुंबकीय बल रेखा की का गमन करती है ना, तो वह चुंबकीय बल रेखा कहलाती है। तो इस तरह से जब हमने ए के आसपास चुंबकीय सुई घुमाई तो आपको बिंदु ए को केंद्र मान के संकेंद्रीय वृत्त मिल गए या चुंबकीय बल रेखाएं मिल गई। और आपने देखा सुई की सहायता से बनाएंगे तो देखिए यह जो बल रेखाएं हैं यह सब वामावर्त घूम रही है, दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पे। इसी प्रकार हम बिंदु B के इर्द गिर्द धारा के कारण चुंबकीय बल रेखाएं बनाएंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए, एक इम्पोर्टेंट बात मुझे बतानी है कि यह बल रेखाएं आप ध्यान से देखिएगा, मैंने पहले आपसे कहा था कि ये कुंडली इस प्रकार से बनाते हैं कि इसका केंद्र गत्ते के ऊपर हो, और आपने देखा कि जो केंद्र है केंद्र पर बल रेखाओं की संख्या अत्यधिक है और साथ में उनकी जो वक्रता है वो कम होती जा रही है। और बल रेखाएं खींचते
तो ये वक्रता और कम हो जाती, या हम कह सकते हैं कि यह बल रेखाएं लगभग समानांतर हो जाती। समानांतर से तात्पर्य यह है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र। दूसरी बात, और से दिखाई दे रहा है कि दोनों सिरों से खींची बल रेखाओं की जो दिशा है वह इस पृष्ठ से अंदर की ओर है, ठीक है ना बच्चों? तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कुंडली के किसी भी अल्पांश से धारा प्रवाहित की जाए उनके बल रेखा की दिशा अंदर की ओर है, ठीक है? किस समय? जबकि हमने धारा दक्षिणावर्त प्रवाहित की है। अगर यही पृष्ठ समतल होता, जैसे आपकी कॉपी का कागज है, उस पृष्ठ पे अगर कुंडली होती तो दाहिने हाथ के नियम से जो बल रेखाओं की दिशा है, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा है, वह नीचे की ओर होती। यहाँ अंदर की ओर दिखाई दे रही है और हम समतल पृष्ठ पर बात करें तो नीचे की ओर। तो इस प्रयोग के द्वारा हमने यह समझा कि केंद्र की तरफ बल रेखाएं ज्यादा हैं, जो लगभग समांतर हैं, अर्थात तात्पर्य यह है कि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, पहली बात। दूसरी बात, दोनों सिरों पे जो बल रेखाएं खींची, दोनों सिरों पे बल रेखाओं की दिशा केंद्र की तरफ एक ही, जैसे इस पृष्ठ पे अंदर की ओर, ठीक है? इसका तात्पर्य यह हुआ कि सभी अल्पांशों के कारण जो केंद्र पे तीव्रता होगी वह एक ही दिशा में होगी, यानी हम कुल तीव्रता सबको जोड़ करके प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? तो यह तो प्रयोग के द्वारा केंद्र पे उत्पन्न तीव्रता की बात हुई। अब हम बायो सेवर्ट के नियम के द्वारा केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय तीव्रता के ज्ञात करने का सूत्र निगमित कर सकते हैं। ध्यान से देखेंगे बच्चों, हम बायो सेवर्ट का नियम जो कल पढ़े थे उसके अनुसार वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर कितनी चुंबकीय तीव्रता उत्पन्न होगी इसके विषय पे चर्चा करेंगे, ठीक है? तो आप देखिए कि हम वापस उस कुंडली को अपनी कॉपी पे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा, है ना? हम वही वृत्ताकार कुंडली जो अभी प्रयोग के द्वारा समझ रहे थे उसको अगर तल पर बनाएं तो कुछ इस प्रकार बनेगी। वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या आर है, उस पर एक अल्पांश ले लेते हैं डीएल, उस पे आई धारा प्रवाहित की जाए तो हमारे पास धारा अल्पांश का मान आई डीएल हो जाएगा, जो बिंदु ए और बी के बीच, ठीक है? अब इस अल्पांश के कारण अगर हम केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जानना चाहें तो दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से आप समझ सकते हैं कि अगर धारा दक्षिणावर्त है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल से अंदर की ओर होगी या नीचे की ओर, ठीक है? बायो सेवर्ट के नियम को हल करने पर हमें जो फॉर्मूला मिला वो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। हम इस फॉर्मूले को डिराइव भी कर सकते हैं। आप चित्र बना लीजिए, मुख्य फॉर्मूला लिख लीजिए, इसे किस तरह से प्राप्त किए हैं इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है बच्चों? अगर आप चित्र बनाएंगे और लिखेंगे तो इस विषय वस्तु को समझना आसान हो जाएगा, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बच्चे चित्र बना रहे हैं। हाँ, तो जल्दी से चित्र बनाएंगे। ये वृत्ताकार कुंडली है और मैंने इसमें एक फेरे की बात की है, बाद में हम जैसे जैसे फेरे बढ़ाते जाएंगे तो तीव्रता का मान भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि सभी का सदिश योग हो जाएगा, है ना, सभी तीव्रताओं का। तो आपने चित्र बना लिया, ठीक है? आगे बढ़े सूत्र निगमन के लिए। तो हमारे पास, हम बहुत शॉर्ट में मुख्य बातों को समझते हुए इस सूत्र का नियम करेंगे, ठीक है? तो बायो के नियम किसी अल्पांश जो नया हम रहे धारा अल्पांश आईडीएल के कारण किसी आर बिंदु आर दूरी पर स्थित बिंदु पर तीव्रता का सूत्र है,
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो कि अनुपातिक नियतांक है, और हम इसे हमेशा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिखते चलते हैं, क्योंकि कल हमने इस विषय पर चर्चा की थी कि यह अनुपातिक नियतांक मापन की पद्धति पर भी निर्भर करता है। जैसे ये एमकेएस पद्धति है, इसलिए अंत में हम इसकी आई टेस्ट लिखेंगे जैसा मैंने पहले भी लिख के बताया था। और अगर ये सीटीएस पद्धति है तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान 1 होता है, 1। ठीक है, तो हम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लेके चल रहे हैं, अर्थात हम एमकेएस पद्धति के विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो हमने देखा कि डी का मान म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एस अपॉन आर स्क्वायर है। यह जो थीटा है वह स्थिति सदिश और परिधि के बीच का कोण है ना। तो स्थिति सदिश परिधि पर लंब होता है, इसीलिए थीटा का मान 90 अंश होगा, अर्थात साइन थीटा जो फैक्टर है उसका मान 1 हो जाएगा, साइन 90 का मान 1 होता है। तो हम बायो सावर्ट के नियम को पुनः लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों यहाँ आर भी नियत राशि है क्योंकि वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या नियत है। ठीक है, तो जब वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या नियत है, आर भी नियत है, इसलिए आर नियत है। हम एक अल्पांश के कारण, छोटे से अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए समीकरण 2 लिखेंगे। तो आप समझ गए कि जब हम केंद्र पर कुल तीव्रता निकालेंगे तो यह होगा कि प्रत्येक अल्पांशों का योग, और प्रत्येक अल्पांशों का योग करने के लिए हम समाकलित करते हैं तो पाएंगे कि B का मान आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, और dl को समाकलन करेंगे तो वह उस कुंडली की परिधि, उस वृत्तीय कुंडली की परिधि होगा जिसका मान होता है 2 पाई आर। इस तरह से हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो कि केंद्र पर है और हमारे कॉन्सेप्ट के अनुसार कागज के तल से नीचे की ओर है उसका मान आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई 2 पाई अपॉन आर। आप बात सोच रहे होंगे कि हम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को ऐसा ही क्यों लिख रहे हैं, तो मैं पुनः दोहरा दूं कि इसका मान पद्धति पर निर्भर है। यदि हम सीजीएस पद्धति लेते हैं त्रिज्या को केस पद्धति में लेते हैं तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान पावर टेस्ला मीटर एम्पियर आता है, अपॉन एम्पियर आता है, ये हम कल चर्चा कर चुके हैं। तो रीवा के अर्चुलियन, रीवा के बच्चे शरारत ना करें प्लीज। रीवा के बच्चे मुझे शरारत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर आप शरारत नहीं करेंगे तो विषय वस्तु को समझना ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जिस तरह से आप मुझे देख रहे हैं मैं भी आपको देख रही हूँ, तो आपकी शरारतें अच्छा नहीं लग रहा है देख करके। आप पढ़ लें तो आपको चीजें समझना ज्यादा आसान होगा। शांत बैठ जाइए कम से कम। ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको कठिन विषय वस्तु को वीडियो क्लिपिंग के माध्यम से और सूत्र निगमन के माध्यम से आसान तरीके से समझाने की। तो आप भी कोशिश कीजिए समझने की, शरारत ना कीजिए। हम आगे चलते हैं। तो इस तरह से हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि जब कुंडली में दो दिशाओं में आपने देखा ए और बी में, और बराबर में कह रही हूँ कागज से तल से नीचे की ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो आई आई कि ये कौन सा ध्रुव उत्पन्न हो रहा है और दूसरे तल पे कौन सा ध्रुव उत्पन्न होगा, है ना, क्योंकि हमने तो पढ़ के रखा है दंड चुंबक में जहाँ उत्तर ध्रुव होता है साथ में दक्षिणी ध्रुव भी होता है। और जब हम बातें कर रहे हैं चुंबक धारा के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की, अब मैं हर बार आपसे कह रही हूँ कागज के तल से नीचे की ओर, इसका मतलब कुछ क्रिया कागज के तल से ऊपर की ओर भी होगी। ठीक है ना, और जब हम कागज के दोनों तलों की बातें करें तो वास्तव में वृत्ताकार कुंडली एक द्विध्रुव का निर्माण, द्विध्रुव का, और उसे हम समझ सकते हैं इस विधि से, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप इसे समझेंगे। और उसके पहले हम चित्र भी समझ लेंगे। देखिए धारावाहिक
वृत्ताकार कुंडली के कारण जो हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र सॉरी धारावाही वृत्ताकार कुंडली जो है वह एक चुंबकीय द्विध्रुवी की तरह कार्य करती है और इस तरह से हमारे पास एक उत्तरी ध्रुव भी प्राप्त होता है और एक दक्षिणी ध्रुव भी प्राप्त होता है। तो जो प्रयोग हम देख रहे थे हम वापस उस प्रयोग में फिर से चलते हैं। इस बार हम समझेंगे कि वो किस तरह से द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इस क्लिपिंग को समझेंगे ना? तो हम वापस अपने प्रयोग पे चलते हैं, फिर से देखते हैं उसी प्रयोग को दोबारा समझ के जिस तरह से वृत्ताकार कुंडली में धारावाहित होती है। तो आप ध्यान से देखिए कि यहाँ मैंने जैसा आपसे कहा कि अगर हम वृत्ताकार कुंडली में धारा को दक्षिणावृत घुमा रहे थे तो आप देखिए दोनों बिंदु A और B पर जो बल रेखाएं खींची गई थी उन दोनों बल रेखाओं की दिशा अंदर की ओर थी, ठीक है ना। कहाँ की तरफ थी? अंदर की ओर। तो यदि हम इस धारा की दिशा बदल देंगे तो धारा की दिशा वामावृत हो जाएगी और जब धारा की दिशा वामावृत होगी तो ये बल रेखाओं की दिशा पृष्ठ से बाहर की ओर हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब हर बार हम चर्चा कर रहे हैं पृष्ठ एक पृष्ठ के लिए, है ना, और उस पृष्ठ को हम कहते हैं सम्मुख पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ कहते हैं बच्चों? सम्मुख पृष्ठ, यानी वह पृष्ठ जो हमारे सामने है, ठीक है। तो इस आधार पे हम देखें इसको हमें पता चलेगा कि दो प्रकार के ध्रुवों का निर्माण हो जाता है। और याद रखने के लिए आप देख रहे हैं कि फेरों की संख्या और बल रेखाओं की दिशा जो है वो सब दोनों ही केंद्रीय बलों में अंदर की ओर होती है ना। तो अगर ये अंदर की ओर है इसका मतलब जो सम्मुख पृष्ठ हमारे सामने है वहां उत्पन्न हो रहा है दक्षिणी ध्रुव और जो पृष्ठ पीछे की ओर है वहां उत्पन्न हो रहा है उत्तरी, ठीक है। क्या समझे? अक्षिणावृत अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो हमारे सम्मुख पृष्ठ पे दक्षिणी ध्रुव का निर्माण होता है। कौन से ध्रुव का? दक्षिणी ध्रुव का, ठीक है। इसका मतलब पीछे वाले पृष्ठ पे कागज के पीछे तल पे उत्तरी ध्रुव का निर्माण होगा। यदि वही धारा वामावृत कर दी जाए तो हमारे सम्मुख पृष्ठ पे उत्तरी ध्रुव का निर्माण होगा और कागज के पीछे पृष्ठ पर दक्षिणी ध्रुव का। हम एक पृष्ठ की बातें करते हैं जो हमारा सम्मुख पृष्ठ होता है और दूसरा ध्रुव उसके अनुसार बनता है। उसी को शॉर्ट में याद करने के लिए मैंने ये टेबल बनाया है कि यदि वृत्ताकार कुंडली में धारा दक्षिणावृत हो तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल से नीचे की ओर होगी। देखिए उसके अनुसार भी आप समझ गए कि कागज के तल से नीचे की ओर होगी, अतः हमारे सम्मुख पृष्ठ पे जो पृष्ठ हमारे सम्मुख है जैसे ये पृष्ठ हमारे सम्मुख है, ठीक है ना, ये ऊपर वाला पृष्ठ हमारे सम्मुख है, इस पृष्ठ पर इस दिशा में हमें कौन सा ध्रुव मिल जाएगा? दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणावृत धारा से दक्षिणी ध्रुव यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर धारा प्रवाहित की जाए तो गोल प्राप्त होता है। कहां पर? वृत्ताकार कुंडली के केंद्र, ठीक है। और वही धारा की दिशा यदि वामावृत यानी एंटी क्लॉकवाइज कर दी जाए तो जो पृष्ठ सम्मुख है यानी हमारे सामने पृष्ठ है उससे उस तल से चुंबकीय बल रेखा की दिशा ऊपर की ओर होगी, अतः जो ध्रुव हमें प्राप्त होगा वह उत्तरी ध्रुव होगा। अर्थात यदि धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज है तो जो हमारे सम्मुख पृष्ठ पर जो तल हमारे सामने है उस पर उत्तरी ध्रुव का निर्माण होगा, ठीक है। तो कागज के दूसरे तल पर इसके ऑपोजिट ध्रुव उत्पन्न हो जाएंगे। इस तरह से यह धारा रूप जो करंट कैरिंग प्रत्येक कुंडली है वह एक द्विध्रुव के समान कार्य करता है, ठीक है। तो आप ये बात अच्छे से समझ गए होंगे और आपको मैं फिर से याद कि ये जो दिशाएं हैं जो कल हमने सीखा था राइट हैंड थंब रूल के द्वारा ही निर्धारित है, ठीक है।
तो ये हम जो गति कुंडली ले रहे हैं ये कागज के तल पे रह रहे हैं। हमने क्लिपिंग में सीधी कुंडली ली थी इसलिए हम अंदर और बाहर की बातें कर रहे थे, कागज की तल की बातें करेंगे तो नीचे और ऊपर की बातें करेंगे। इस तरह से आपने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा कि वृत्ताकार कुंडली धारा, वृत्ताकार कुंडली को धारा लूप भी कहते हैं और वह एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, ठीक है, और किस तरह से उस द्विध्रुव पे हम दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव का को समझ सकते हैं, ठीक है। अब हमारे इस टॉपिक में वृत्ताकार कुंडली में अभी हम जितनी चर्चा कर रहे थे वो वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर थी। अभी एक चर्चा और बाकी बची है, वह है वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर। पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो बच्चे ध्यान से, अगर उनको कहीं कोई डाउट हो तो वो मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई शंका है, आप कुछ और जानना चाहते हैं, तो जो विषय वस्तु आपको पढ़ाई जा रही है उससे संबंधित आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्रश्न पूछ लीजिए। कोई डाउट है तो ऐसा लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपके पास डाउट हो तो बेझिझक आप पूछ लीजिएगा। इस क्लास के एंड होने पर भी आप पूछ सकते हैं। अपने क्वेश्चन तैयार रखिएगा, अपने प्रश्न तैयार रखिएगा और आपको जवाब देने पर मुझे भी प्रसन्नता, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं और हम उस वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी और किस तरह से ज्ञात की जाएगी इसे समझेंगे, है ना। और इसे बनाने के लिए मैं बनाने की कोशिश, समझाने की कोशिश करती हूँ। तो आप देखिए किस तरह से इस चित्र को बनाया गया है और फिर हम उसको आप बनाएंगे भी साथ में तो ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो बच्चा वृत्ताकार कुंडली के अब हम सीख रहे हैं अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए हम वापस जाते हैं, कुंडली किस तरह से बनाई गई थी। लेकिन ये कुंडली का चित्र मैं बना के नहीं हूँ डेरिवेशन के लिए, पर मैं चाहती हूँ कि आप इसे बनाना सीखें, इसलिए ध्यान से इस क्लिपिंग को देखेंगे हम धीरे धीरे। ये तो वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पे जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बातें करते हैं तो इस्तेमाल होगा इस परिनलिका का, जो अगली क्लास की, अगले कालखंड की चर्चा का विषय होगा। उसके पहले हम, क्योंकि बायो सेवर्ट का नियम पढ़ते आ रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं, इसको एक बार पुनः दोहराते हैं कि ये बायो सेवर्ट के नियम के लिए है जो हमने कल भी पढ़ा था, आज मैं फिर आपको दोहराना चाहती हूँ। तो देखिए ये चित्र है जिसमें एक्स वाई धारावाही तार था जिसमें आई धारा प्रवाहित की गई अल्पांश क्यू पी, उसको हम डीएल से प्रदर्शित करते हैं और उस अल्पांश से सदिश का जो कोण था वह था थीटा। और आप जानते हैं कि साइन थीटा डी एल स्थिति सदिश आर और धारा पे निर्भर करता है बिंदु ओ की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, है ना। और हमने इस सूत्र को कल पढ़ा था, आज भी पढ़ा, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर। इसी का इस्तेमाल करके हम यह वृत्ताकार कुंडली बनाएंगे और उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो कुंडली का चित्र मैं तो बना करके लेके आई थी डेरिवेशन के लिए, पर हम इसे पुनः समझते हैं कि किस तरह बनाया गया है। तो आप देख रहे हैं वह यह एक वृत्ताकार कुंडली है क्योंकि यह चित्र थ्री डायमेंशनल यानी त्रिविमीय है, इसीलिए वह वृत्ताकार कुंडली इस प्रकार बनेगी। जो ए से लेके ए डैश का पार्ट है कागज के तल से बाहर की ओर है वह डार्क रेखा है और जो कागज के तल से अंदर नीचे की ओर है उसे हमने शेडेड बनाया, ठीक है। यह वृत्ताकार कुंडली है जिसके केंद्र से किसी दूरी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जो ये स्ट्रेट रेखा खींची गई है वह अक्ष है, अक्ष पे कोई भी बिंदु हम अपनी अपने अनुसार निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है। तो आप आगे आगे खींचे, इतनी लाइन आपने खींची होगी, है ना। देखिए हम उस डीएल को
उस स्थिति सदिश, देखिए ध्यान से, अल्पांश लेंगे क्योंकि बायो सेवर्ट के नियम में हम पहले अल्प मात्रा की धारा, इसलिए धारा अल्पांश कहते हैं, उसके द्वारा एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। इसीलिए हमने एक अल्पांश लिया है और अल्पांश की बिंदु से दूरी a है, जबकि अक्ष पर वृत्ताकार कुंडली के केंद्र से बिंदु की दूरी x है। ठीक है, मान आगे चलते हैं। हम मानते हैं कि उस वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या r है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास वह वृत्ताकार कुंडली करना है, तो हम एक अल्पांश की जगह दो अल्पांश लेंगे। ध्यान से देखिए, डायग्राम बनाते, मैंने इसकी इतना स्लो डायग्राम बताया था कि आप साथ में डायग्राम बनाते तो आपको ये बात क्लियर हो जाती कि किस तरह से रेखाएं खींचनी है ना। तो आगे हम चल रहे हैं कि उसी पूरी रेखा चित्र को पुनः देखते हैं। अगर आपने तब नहीं बनाया तो आप समझने के लिए इसे फिर से बना सकते हैं। ठीक है, पहले हमने एक अल्पांश का चित्र इसलिए बनाया था क्योंकि हमें बिंदु P पर कुल तीव्रता ज्ञात करनी थी, जो कि प्रत्येक अल्पांशों के योग के लिए है, और क्योंकि यह सदिश राशि है इसीलिए बिंदु P पर हम जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उसका सदिश योग करेंगे। हम उस चित्र को पुनः समझते हैं, आप नहीं बनाए हैं तो साथ में बना लेंगे। हमने एक अल्पांश ए भी दिया है और उसके कारण बिंदु पी पर अगर हम करेंगे तो बच्चों मैं बता दूं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश डी बी ए बी और बिंदु पी पर जो स्थिति सदिश बना है उसकी लंबवत दिशा होगी, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा यह त्रिविमीय बनेगा क्योंकि स्थिति सदिश पर लंब है, यानी वह उस तल पे लंब होगा जिस पर स्थिति सदिश और अल्पांश है। ठीक है, इसीलिए हमारे पास जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अल्पांश ए बी के कारण थी वह थी पी। ठीक है, जब इस तरह से अल्पांश होगा तो हम उसके दो लंबवत घटक ज्ञात करेंगे। एक लंबवत घटक जो कोण फाई बनाता है वह हो पीएबी कॉस फाई, जो कि अक्ष पर लंब है, और जो अक्ष के अनुदेश घटक होगा वो होगा डीबी साइन फाई। ठीक है, इसी तरह व्यासाभिमुख अल्पांश ए डैश बी डैश लेंगे। ध्यान से सुनिए बच्चों, वह है व्यासाभिमुख अल्पांश, है ना, उसकी तीव्रता की दिशा होगी पी आर डैश, जिसे मैंने डी बी डैश से दर्शाया है। उसके भी घटक लेंगे तो एक लंबवत घटक मिलेगा और एक अनुदिश घटक मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास हमने सारे मान लिखेंगे इस तरह से कि दूरियां हमने लिख ली है, फेरों की संख्या अगर n है तो हम n फेरे ले लेंगे। फिलहाल हम एक फेरे की बातें कर रहे हैं, n से गुणा कर देंगे तो उतनी गुणित तीव्रता बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जब हम इसे हल करेंगे बायो सेवर्ट के नियम से तो हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त होगा एक फेरे के लिए और एन फेरे के लिए। तो सूत्र है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2। और देखिए अब इसकी इकाई होगी टेस्ला। ठीक है, क्योंकि ये एम के एस पद्धति है, इसमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान 10^-7 होता है। ठीक है, तो अगर फेरों की संख्या n होगी तो हम n फेरे ले लेंगे तो n से गुणा हो जाएगा, है ना। तो आप चाहते हैं कि हम इस डेरिवेशन को, इस सूत्र को बहुत शॉर्ट में रिवाइज करते हैं कि किस तरह से निगमित किया गया है। ठीक है, तो बच्चों ने चित्र बना लिया होगा तो मैं इस चित्र को हटा के सूत्र का निगमन बताती हूँ। बन गया चित्र, ध्यान से देखेंगे बच्चों, मैंने बहुत लंबी चौड़ी डेरिवेशन नहीं लिखी है,
सिर्फ उसमें जो मुख्य बातें हैं हम पे चर्चा करेंगे, और जितनी मुख्य बातें हैं सब अलग अलग रंग से आपको दिखाई दे रही हैं, जो चीजें आपको इस डेरिवेशन को समझने और हल करने में सहायक होंगी। ठीक है, तो बायो सेवर्ट का नियम आप सभी समझ चुके हैं, म्यू नॉट अपॉन 4πIdl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे भी क्योंकि ये वृत्ताकार कुंडली है और वृत्ताकार कुंडली पे जो स्थिति सदिश है वह कम है, इसीलिए थीटा का मान 90 अंश, तो साइन थीटा फैक्टर अपने आप 1 हो जाएगा, 1 यानी 1, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है। जो वृत्त की कुंडली की जो त्रिज्या है वह नियत है, इसका तात्पर्य है कि जब हम हल करेंगे तो हमारे पास ए त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या को हम नियत लेके चलेंगे। जो वृत्त के केंद्र से बिंदु की दूरी है r, उसका मान बिंदु की बदल जाएगा। ठीक है, इसीलिए और अगर हम इसे एक नियत पॉइंट पे ले लें तो हम उसे भी नियतांक मान सकते हैं, क्योंकि हमने जो चित्र बनाया उसमें हमने वह दूरी भी नियत ली हुई है। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से जब हमने उसके दो घटक किए थे, आपने देखा कि उसके घटक जो अक्ष पे लंब थे वह सब एक दूसरे के बराबर और विपरीत दिशा में थे, तो यह घटक एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे, यानी अक्ष के लंबवत जितने घटक हैं वह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की तीव्रता का वह घटक जो अक्ष के अनुदिश, और आपने चित्र बनाया था तब लिख लिया था अक्ष के अनुदिश था dv sin phi, है ना, वापस एक बार देख लीजिए, जो चित्र बनाया था अक्ष के अनुदिश घटक था dv sin phi। कुंडली के प्रत्येक अल्पांश बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम सभी पर सभी छोटी छोटी तीव्रताओं को समाकलन कर देंगे। इस तरह से हमें समाकलित करने पे एक समीकरण मिलेगी जिसमें हम साइन फाई का मान ए अपॉन आर इसलिए लिख सकते हैं कि मैंने अभी आपसे कहा था कि वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या ए भी नियत है और एक पर्टिकुलर कंडीशन में बिंदु पी की दूरी भी नियत है, है ना, इसीलिए हम उसमें साइन फाई का मान ज्ञात कर सकते हैं। आप देख रहे हैं चित्र में फाई कौन सा कोण बना हुआ है जो स्थिति सदिश P पर अक्ष के साथ बनाता है, इसीलिए उसके हम साइन फाई घटक ले सकते हैं जिसका नियत मान है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास सिर्फ एक ही चर बाकी बचेगा, वह है अल्पांश dl, और समाकलन करते हैं, अल्पांश का समाकलन करने पे हमें उस वृत्त की परिधि प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? वृत्त की परिधि dl के समाकलन से। अतः हमारा सूत्र बन जाएगा, समीकरण परिधि का सूत्र लगाने से नॉट अपॉन 4π आई ए तो पहले से था, समाकलन किया dl का तो हमने मिल गया 2πa क्योंकि हमारी वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या a थी, 4π आर स्क्वायर आर भी नियत है जिसका मान हम निकाल सकते हैं पाठोत्तर शून्य से त्रिज्या और बिंदु P की अक्ष से दूरी। ठीक है, तो इस तरह से हमें किसी बिंदु पर अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त हो गया। खास बात यह है कि इस बिंदु P का मान, P को अगर हम केंद्र पे भी ला सकते हैं, x का मान शून्य रखेंगे सूत्र में, तो आपको उसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो जाएगी। आप x का मान अनंत भी कर सकते हैं, अगर आप x का मान अनंत करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होगा। इससे तात्पर्य ये है कि जैसे जैसे हम केंद्र से दूर जाते जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कुंडली की दोनों ओर घटती जाएगी, और जहां x का मान अनंत हो जाएगा तीव्रता मान शून्य हो जाएगा। इस तरह से हम द्वी और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बीच यदि ग्राफ खींचे, ग्राफ बनाए, आलेख बनाए, तो हमें इस प्रकार का आलेख प्राप्त होगा। ठीक है, तो
आप इस ग्राफ को बना सकते हैं एक्स अक्ष पे दूरी को लेकर के और वाई अक्ष पे उसके अनुरूप द्रव्यमान के मान को लेकर, ठीक है। तो हमें यह ग्राफ प्राप्त हो जाएगा, है ना। अब आपने समझ लिया कि अक्ष पे जैसे जैसे दूर जाता जा रहा है तीव्रता घटती जाए, ठीक है। तो इस तरह से हमने वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर और वृत्ताकार कुंडली स्वयं एक द्विध्रुव का निर्माण करती है किस तरह से, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक पूरा वृत्ताकार कुंडली पर था। आप में से किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं करी कि धारा प्रवाहित की जा रही है तो एक चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है और जो हमारी पृथ्वी है उसका भी तो चुंबकीय क्षेत्र है, वह किस तरह से कार्य करेगा। आप में से किसी ने भी यह जानने की कोशिश की था किसी के मन में यह सवाल? तो बच्चों मैं बता दूं कि जब भी हम ये प्रयोग करते हैं लेकर के, तो धारा में जब जब चालक में जब जब धारा प्रवाहित की जाएगी उसके इर्द गिर्द एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, साथ ही उस समय जिस क्षैतिज घटक जिस क्षैतिज तल पे हम चुंबकीय क्षेत्र की बातें कर रहे हैं वहां पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक भी जरूर होगा, ठीक है। और हम उस जो हमारा विक्षेप उत्पन्न होता है चुंबकीय सुई पे, वास्तव में वह इन दोनों घटकों के परिमाण जो परिणाम निकलेगा, दोनों का जो रिजल्टेंट निकलेगा, इन दोनों की दिशा रिजल्टेंट की दिशा के अनुसार। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस भी तल पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात हो रही है उस तल पे चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक भी अपना प्रभाव रखता है, ठीक है। और इसे समझने के लिए हम स्पर्श व्याकरण नियम लिखते हैं और समझते हैं। मैं चाहती थी कि ये क्वेश्चन आपके पास से आए, ये आगे की कालखंडों में चर्चा का विषय है, पर मैं अभी आपसे इस प्रश्न की अपेक्षा करती थी, ठीक है। तो आप अभी आपको कोई प्रश्न कोई डाउट है तो आप मुझसे अभी भी पूछ सकते हैं। आपके पास कोई डाउट है? कोई डाउट? ऐसा करते हैं कि जो ये वृत्ताकार की कुंडली के अक्ष पर हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नापी थी उस क्लिपिंग को वापस समझने की कोशिश करते हैं, शायद आप अभी समझे और फिर आपको कोई डाउट आए तो मुझसे पूछे, है ना। तो आप वापस समझ लें क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अक्ष वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का फिर से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चित्र सहित वापस बायो सेवर्ट के नियम पे आ गए हैं और इसके बाद थोड़े स्पीड अप करेंगे तो वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पे किस तरह से घटकों का वियोजन किया जाता है और किस तरह से, देखिए ध्यान से, हम इस तरह से पहले एक चुंबकीय क्षेत्र के घटक ले लेंगे और फिर हमें जो सूत्र प्राप्त हुआ था वह कुछ इस प्रकार था, है ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो इन्होंने 2 पाई को 4 पाई से कट दिया तो हमें पास नीचे शेष 2 बाकी बचा, ठीक। जहां पे मैं वापस इसे बोलती हूँ, जो म्यू नॉट है उसका मान 4 पाई 10^-7 है, यह निर्वात की चुंबकनशीलता है, एन है फेरों की संख्या और आई है धारा का मान, ठीक है। और ये ग्राफ भी हमने सीखा था कि किस तरह बदलती जाती है। और अंत में जो मैं आपसे चर्चा कर रही थी कि जब जब चुंबकीय क्षेत्र धारा के प्रवाहित होने से उत्पन्न होगा उस समय पृथ्वी का क्षैतिज घटक भी वहां अस्तित्व रखता है और इसीलिए हमें स्पर्श जया का एक नियम प्राप्त होता है B=B0 tan θ, जहाँ थीटा है विक्षेप जो हमारे चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी के क्षैतिज घटक के परिणाम स्वरूप हमें प्राप्त, ठीक है ना। तो हमने जल्दी से शॉर्ट में ये रिकॉल कर लिया। अब मैं चाहती हूँ कि आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
कोई डाउट नहीं है, तो लगता है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ चुका है। ठीक है, आपको कोई डाउट नहीं है तो मैं अपनी क्लास यहाँ समाप्त करती हूँ, और आगे की क्लास में इसके आगे की चर्चा होगी, क्योंकि जो अभी हमने आज सीखा वृत्ता कुंडली पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो बच्चों इसी पे आधारित हम परिनलिका बनाते हैं जो हमारे लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी विद्युत चुंबक का निर्माण करती है ना, जो दंड चुंबक से काफी अलग है। और वृत्ताकार कुंडली के अक्ष की बातें हम इसलिए करते हैं क्योंकि अक्ष पे किसी भी बिंदु पर कितनी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी यह आपके अगले कालखंड का चर्चा का विषय होगा। ठीक है, तो मैं यही समाप्त करती हूँ। नमस्कार।